ओके, अभी क्या करेंगे, स्कोप पर कुछ और चीज जानेंगे। एक तो स्प्लिट बाय जाना चाहता हूँ और कुछ कॉलम डेलिमिटर्स, और मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ डायरेक्टरी को पहले इंसर्ट करने से पहले या फिर इंपोर्ट करने से पहले बोल सकते, तो कैसे करेंगे? पहले स्प्लिट बाय क्या जानते हैं, वेयर और कॉलम्स के नामकरण, नाम कुछ कॉलम चाहिए सारे नहीं चाहिए, वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया, देखा नहीं है क्या करना है, चेकआउट करना है। स्प्लिट बाय कॉलम क्यों यूज होता है पहले मैं बता देता हूँ। स्प्लिट बाय कॉलम तब यूज कर सकते हैं जब मेरे पास कोई प्राइमरी की नहीं है। अगर मेरे पास प्राइमरी की है पर आउटलाइनर बहुत सारे है उसमें, आउटलाइनर इन द सेंस में 1000 तक तो सही चल रहा है हमारा प्राइमरी की, किसी ने गलती से 1000 के बाद 6000 या 7000 डाल दिया प्राइमरी की, तो वो गड़बड़ा गया। प्राइमरी की आईडी की बात कर रहा हूँ, वो गड़बड़ा गया। वो गड़बड़ा गया तो क्या होगा ना, आउटलाइनर आ गया। आउटलाइनर आ गया तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे स्प्लिट बाय कर सकता हूँ। स्पेसिफिकली बोल सकता हूँ किसी और को स्प्लिट बाय बनाओ कॉलम को, और ये क्या होगा ना, ये हमारा हमारे परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का काम आएगा। स्प्लिट बाय का एक सिंपल सा कोड है वो दिखाता हूँ मैं। चलिए शुरू करें कि नहीं करें? नहीं करेंगे शुरू, हम तो नहीं करते शुरू, स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। पिछले वाले वीडियो में ये बताया था, देखो यार कुछ नाम पामकरण किया था ही वाई का, अभी नाम पामकरण कुछ नहीं करेंगे। ये वेयर वाला हटा दो, कॉलम वाला भी हटा देंगे। माइनस माइनस स्प्लिट बाई करेंगे यहाँ पे, स्प्लिट बाई टीवी स्टार्स वाला नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है ना, प्राइस भी है मेरे ख्याल से। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स खोल के देखूँ, सर इलेक्ट्रिक कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके ये है, हाँ ये है। डिस्क्राइब कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ मेरे पास प्राइस भी है। ठीक है, अगर मैं सर इलेक्ट्रिक कॉम इलेक्ट्रॉनिक्स कर दूँ, ट्रिनफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ ओके कूल कूल कूल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टेबल को इलेक्ट्रॉनिक्स कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, और स्प्लिट बाई कॉलम नाम प्राइस करूंगा, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्लिट, ठीक है कॉपी करते हैं इसको। और यहाँ बाय द वे एयर फ्लो की सीरीज शुरू आने वाली है, तो चेकआउट कर दे एयर फ्लो, धीरे धीरे चलेंगे। सबसे पहले तो इसको पढ़ा रहे हैं, फिर हडूप, हाइव, एचपीएच, आर, पाइथन, सॉरी पाइस्पार्क, स्काला, एयर फ्लो, काफका, सब कुछ पढ़ाएंगे हम, एक कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, आर भी पढ़ाएंगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी यार पेड़ कोड के चक्कर में पड़े हो यार, क्या करो यार, का पैसा बचाओ थोड़ा यार, इतना 40-50 हज़ार रुपये खर्चा करने की जरूरत नहीं, फ्री में पढ़ाएंगे, पेड़ से भी ज्यादा अच्छे वाला कोर्स हम लोग बताएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं वेबसाइट शूट लॉन्च करने की कोशिश करूंगा, देखेंगे यार वेबसाइट तो देखेंगे, कुछ जुगाड़ वेबसाइट का जुगाड़ देखेंगे, करना पड़ेगा, करेंगे वेबसाइट का भी जुगाड़ करेंगे, बढ़िया से बनाएंगे। सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से बनाऊँ, ठीक है नेक्स्ट का बनाऊँ, ओके रन हो गया, बढ़िया हो गया ना, तो हडूप एफ एस एल एस कर देंगे, और यहाँ पे और इस वाले में यहाँ पे जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्लिट कर देते हैं कॉपी। बाय द वे उबंटू का यूज कर रहा हूँ, चाहो तो तुम उसमें भी कर सकते हो, किसमें कर सकते हो, किसमें कर सकते हो, क्लाउडेरा में। हडूप एफ एस माइनस एल एस करेंगे, देखेंगे क्या डेटा आ रहा है, ये देखो यार 4 ये डेटा आ गया, ओके स्प्लिट बाय मैंने उस पर किया था, देखो ना स्प्लिट बाय मैंने, स्प्लिट बाई मैंने यार एक मिनट रुको, स्प्लिट बाई मैंने कहाँ पे किया था, स्प्लिट बाई मैंने यूजिंग प्राइस किया था, देखो तो फिर यहाँ पे एक नम बाउंड्री वैल क्वेरी बन रही है, मैक्स प्राइस दे रहा है, मिन प्राइस दे रहा है, और फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये यार देखो प्राइसेस का ठीक ठाक है नहीं यार डेटा, इसलिए यार थोड़ा सा दिक्कत है यार, ये यार मैंने प्राइस वाला कॉलम लिया, प्राइस में भी आउटलाइनर पड़ा हुआ है ठीक से ढंग से है नहीं, तो प्राइस का भी निकाला है इसने, मिनिमम और मैक्सिमम निकालेगा, देखोगे ना तुम, देख लेना ओके। तो परफॉर्मेंस का एक मिनट रुको, हाँ मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस निकाला है इसने फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स बाउंड्री वैल्यू की हो रही है, स्प्लिट साइज ये निकाला है इसने, और फिर 1000 टू इतना ये करके नंबर ऑफ स्प्लिट्स करके ये इसने काम किया है यहाँ पे। अब मैं स्प्लिट बाय करना चाहता हूँ कोई एक स्ट्रिंग कॉलम में, तब क्या करूंगा, इसी कॉपी करते हैं, और इस बार मैं करूंगा ब्रांड को ऊपर जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है ना ब्रांड भी है, तो मैं एक ब्रांड डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्प्लिट बाय ब्रांड रखेंगे, उसके ऊपर मेरे को एक वो लिखना पड़ेगा, org.apache.coop.splitter.allow.text.splitter=2। रन करता हूँ पहले इसको, ठीक है org.apache.scoop.splitter.allow.text.splitter=2, इस तरह से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डालेंगे, ये मेरे को सिंटैक्स डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो अब मैं इसको कॉपी करूँ ना, इतना कॉपी करते हैं और फिर इसको यहाँ पे पर तो क्लियर कर दो यार, सब हटा देंगे यार, अब हटा दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ पे जाएंगे पेस्ट पे क्लिक करूंगा, रन करते हैं, ओके अनरिकॉग्नाइज आर्गुमेंट माइनस माइनस टारगेट डी आई आर, अच्छा कुछ गड़बड़ किया है मैंने यहाँ पे,
एक मिनट रुको, माइनस माइनस हेल्प करते हैं, कूप माइनस माइनस हेल्प ही काम नहीं कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ओके कूप हेल्प करेंगे, ठीक है कूप हेल्प इंपोर्ट। देखो इतने सारे तुमको वो कमांड मिल रहे हैं, कमांड की भरतार हो गई है, हड़ताल भरवार जो भी है। कनेक्शन ड्राइवर हडूप मैप होम पासवर्ड के लिए स्किप थ्रो एन एरर यूजर नेम वर्बोस टेक्स्ट फाइल बाउंड्री क्वेरी क्वेरी स्टेटमेंट क्वेरी फेस साइज नम बहुत कुछ है, बहुत कुछ है यार सीरियसली। एक मिनट रुको, मैं नींद आ रही है यार, बहुत तेज नींद आ रही है यार, सो जाएंगे अभी हम। एंटर मारेंगे, वीडियो एडिट भी करना है सोचो, एडिट करूंगा बैठ के। ओके क्या दिखा रहा है देखो, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स ये अलग हो गया, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्लिट और यहाँ पे बी आर डाल देते हैं, अब सही है ना। इसको डिलीट टी आई आर भी कर सकते हो, तो वो किस तरह से करते हैं अभी बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो अभी क्या एरर है देखना, ब्रांड जेनरेटिंग स्प्लिट फॉर ये देखो, तुम ये डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है ये मुझे डालना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। अगर मैं इसको एज अ पैरामीटर डाल दूँ यहाँ पे देख रहा हूँ ना, इसका एज अ पैरामीटर डालना है। और मैं ये कर रहा था, मैं क्यों गड़बड़ कर रहा था, बी आर ए ब्रांड लिखते हैं, गलत शब्द नहीं लिखेंगे अभी, ब्रांड। ओके तो मैंने क्या गलत किया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मैं सिंपल सा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ किया था, बताओ मैं क्या गड़बड़ किया था, बताओ क्या, मैं समझ गए हो गए, दो बार दबा दिया स्लैश, एक स्लैश डालना है वहां पे, रन करते हैं। ओके चल रहा है ये कमांड, बाउंड्री वैल क्यूरी क्रिएट होगी फिर उसके हिसाब से फिर काम करेगा, रनिंग जॉब कर रहा है। ओके मैं आराम से बैठा हूँ, लेटा लेट के काम करता हूँ, मजा आता है, नींद आ रही है बहुत तेज। रिकॉर्ड कर देते हैं स्कूप का वीडियो, उसके बाद वो वीडियो के एंड करेंगे यार, एडिट बिडिट कुछ करेंगे वीडियोस। हो गया रन, बहुत सारे कमांड थे यार, स्कूप कॉपी करते हैं इसको, क्या है ना एफ एस एल एस ये कॉपी कर देते हैं, करता है एक उनको देख लो स्प्लिट किस तरह से हुआ है, इसने इतना काम किया इसने इतना काम किया, तो यार स्प्लिट भी स्प्लिट वाइज भी आप अपने हिसाब से करें, मैक्स मिन का वो क्वेरी बनाए कर रहा है तो हो सकता है कोई दिक्कत हो, सीरियसली यार इसने मैक्स मिन का काम करा तो मैं बताऊँ ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक क्वेरी बनाई है इसने, कहाँ बनाया क्वेरी, कहीं पे तो बनाई है क्वेरी इसने, हाँ मिनिमम और मैक्स निकाला है तो यहाँ पे इसने जनरेटिंग स्प्लिट किया है, नंबर ऑफ स्प्लिट 4 हुआ है, इसने बताया कहाँ से कितना तक करना है काम, कहीं पे तो लिखा रहता है यार, देखो यार अभी दिख नहीं रहा मुझे। ओके यहाँ पे कहीं तो लिखा है भैया, ओके यहाँ पे इसने बना के रखा है, यहाँ पे कुछ तो बाउंड्री वाली क्वेरी बना रहा है, आप देखो यहाँ पे कहीं भी लिखा होगा, मेरे तो दिख नहीं रहा यार, नहीं ला रही है इसलिए मैं दिख नहीं रहा, यहाँ पे देख लेना यहाँ पे किस तरह से करते हैं, यहाँ पे ये ने बता दिया है, तो आप अपना कोई भी अच्छा देखो परफॉर्मेंस इंक्रीज के लिए कर रहे हैं हम लोग, पर मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल नहीं रही है अभी, क्यों नहीं मिले क्योंकि मैंने स्पेसिफिक यूज़ नहीं किया है, आप जब अच्छे से यूज़ करोगे कोई भी ऐसा बढ़िया सा कॉलम तो फिर आपको सही से परफॉर्मेंस मिलेगी, अगर आप हार्ड कोड कर सकते हो जैसे हमने बताया था हार्ड कोड करने के लिए। अब मुझे एक सिंगल मैपर चाहिए, तो क्या करूँगा मैं सिंगल मैपर के लिए, मैं अगर कॉपी करूँ -1 M तो वो तो बताया बताया ही था पिछले वाले वीडियोस में, वो नहीं चेकआउट किया तो वो जाकर चेकआउट कर लो, बाकी मैं स्प्लिट बाई हटा देता हूँ, स्प्लिट बाई की जगह पे मैं एक नया कॉलम नाम लिखूंगा, एक और होता है नम मैपर्स कर दोगे और वन कर देता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स मैप कर देता हूँ, कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, यहाँ पे फिर एक ही मैपर को बोलूंगा काम करने के लिए, बाकी सब बैठा रहेंगे डंडा, बाकी मैं लूंगा ही नहीं, चलने दीजिए। और एंगुलर के मैं वीडियो सभी शूट नहीं करूंगा, हाँ सर्वर साइड वाला थोड़ा मैंने कर लिया है तो वो वाला मैं कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा गैप लेंगे एंगुलर का, जनरली फोकस करेंगे इस हडूप स्कूप ये सब चीज़ों के बारे में और क्या करेंगे, और फिर डाटा इंजीनियरिंग सॉरी डीएसए की सीरीज पे भी ज़्यादा मैं फोकस करने वाला हूँ, अभी दो चीज़ों पे करूँगा काम, और पेस्ट करते हैं जल्दी जल्दी इसको आज ओवर करेंगे और फिर सोएंगे थोड़ा सा, देखोगे ना यहाँ पे एक ही मेंबर बनेगा उसने सारे काम किए हैं, अभी एक और काम करने वाला हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ दो चीज़ ऐसे डालना हूँ, सीरियसली मैं देखो यार मैपर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैपर मैंने यहाँ पे तीन डाला, तीन मैपर डाले और मैंने एक और पैरामीटर डाल दिया माइनस माइनस ऑटो रीसेट टू वन मैपर, ठीक है और नीचे मैं एक और चीज डालूंगा माइनस माइनस डिलीट टारगेट माइनस डी आई आर, बताने के लिए कि यार मेरे पास ऑलरेडी टारगेट पड़ा हुआ है तो उसको डिलीट कर दो निकाल लो उसको, भाग यार डंडा मार के निकाल लो, और इसको एक और बार ऐसे करेंगे और नम मैपर्स 3 कर दिया मैंने, चाहे तो M3 भी कर सकते हो टोटल डिपेंड ऑन यू,
ऑटो रीसेट टू वन मैपर किया है, अब इसको कॉपी करते हैं यार, बहुत तेज नींद आ रही है मेरे को। मारते हैं इसको, रन करते हैं, रन हो रहा है, कुछ काम कर रहा है ये, बैकग्राउंड में बाउंड्री वैल क्वेरी वेरी बनाएगा, सब कुछ करेगा, काम काम करने देते हैं इसको, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्प्लिट 3 डाल के रखा, ऑटो रीसेट टू वन करके रखा है। अब देखते हैं क्या रन होगा, क्या वो 3 मैपर यूज करेगा या फिर 1 मैपर करेगा। आप कमेंट करें, फिर मिलते हैं इसी वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं मिलेंगे। जल्दी खत्म कर देते हैं इस वाले वीडियोस को, फिर स्कूप के और भी चीजें बाकी है। ये मैप ही है ना, हाँ मैंने टारगेट डीआईआर को डिलीट कर दिया था, देख लो ना, मैपर रीसेट टू 3 मैपर, क्यों? मैंने भी नंबर्स मैप को 3 रखा था, उसके बाद में ऑटो रीसेट टू 1 रखा था, पर मैंने मैप 3 डाला। इसका मतलब क्या है ना विनोद, अगर मेरे पास ऑटो रीसेट मैंने डाल के रखा है, अगर नहीं है तो नंबर मैपर नहीं करूंगा, तो ऑटो रीसेट टू 1 हो जाएगा, वरना 3 यूज करूंगा। देखो अगर मेरे पास फैमिली की नहीं है तो ऑटो रीसेट टू 1 मैपर करोगे तब भी काम कर जाएगा, तो उसका या फिर स्पीडबैक करना है, या फिर M1 कर दोगे, जो जो भी नंबर ऑफ मैपर्स को 1 कर दोगे वो भी कर सकते हो, सारी चीजें हैं इसके हेल्प से तुम यहाँ पे काम कर सकते हो। एक यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, कैट कर देते हैं, कैट मैंने बिल्ली, कैट मैंने बिल्ली, यहाँ पे डेटा है इतना, कॉपी करो इसको और यहाँ पे पेस्ट करो, अडोब FS देख सकते हो, तुम्हें सारा डेटा आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये डेटा मिल गया, देख रहे हो इतना सारा डेटा इस हिसाब से हम तुमको मिल गया है यहाँ पे। एक और चीज बता रहा हूँ मैं, देखो कॉमा से फिटेड आ रहा है। अब मैं बस स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ, नहीं मुझे कॉमा पसंद नहीं, बिल्कुल कॉमा पसंद नहीं, मैं कॉमा यूज नहीं करता, मैं अपना कॉलम डेलिमिटेड डालना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा, पहले तो ऑर्डर रिसेट टू 1 करेंगे और ये हटा देंगे, और मुझे जरूरत नहीं इतनी। माइनस माइनस एक फील्ड डेलिमिटेड डालूंगा, मैं फील्ड डेलिमिटेड करूंगा पाइप से, चाहो तो टाइप भी यूज कर सकते हो, लाइन्स टर्मिनेटेड बाई कॉमा से, ठीक है इतना कर दिया कॉपी। टारगेट डीआईआर को मैं ऑलरेडी डिलीट मार्क रखा है, तो ऑलरेडी डेटा जो पड़ा हुआ है ना वो डिलीट हो जाएगा, एंटर दबाएंगे फिर डेटा देखेंगे। मस्त नींद आ रही है यार, मैं थोड़ा सो जाऊंगा, सोएंगे फिर उसके बाद डिलीट करेंगे वीडियो को। और मैं सोच रहा हूँ मेन चैनल में वीडियोस में अपलोड नहीं कर रहा यार, शेड्यूल नहीं किया, शेड्यूल करने पड़ेंगे, कर देंगे शेड्यूल अभी, ठीक है, इसलिए एडिट भी डिलीट भी करना है, शेड्यूल भी करना है, सब करेंगे अभी। रुको इसको भी सीरीज यार, सोच रहा हूँ पूरा वीडियो सीरीज कर दूँ ना, फिर उसके बाद थोड़ा एडिट करेंगे, फिर अडोब वाइव का वीडियो शूट करना जान करेंगे, हो गया। पर देखेंगे इसमें डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हाँ तो पार्ट 0 में इसमें देखो, हाँ पार्ट M0, अच्छा से किया। अब मैं इसको डेटा देखूंगा, देखना नया लाइन में डेटा किस तरह से आ रहा है कॉमा करने के लिए, बाकी इसमें ये पाइप डेलिमीटर आ गया, जिस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डेलिमीटर डिफाइन कर सकता हूँ फाइल के अंदर। अब अगर मुझे क्या करना है, सिंपल मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे डालूंगा, और फील्ड डेलिमीटर मुझे कुछ चाहिए, चाहे तो डाल दो फील्ड डेलिमीटर, चलो रख लेते हैं फील्ड डेलिमीटर। माइनस माइनस मैं वर्बोस करूंगा, वर्बोस नाम सुना होगा, बहुत बार यूज किए हम लोगों ने, व्हेन कम्स टू लाइक ASP.NET कोर की सीरीज में, ASP.NET फ्रेमवर्क की सीरीज में, वर्बोस का मतलब नहीं, मेरे को बताएगा क्या चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा लॉग्स देगा मुझे। क्लियर करते हैं इसको यहाँ पे और पेस्ट करते हैं, अब रहा नहीं जा रहा है, बहुत तेज नहीं जा रहा, करते करते ना वैसे हो ना जाओ यार। देखो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वर्बोस और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मुझे कुछ से हाइप हाइप टेबल क्रिएट करना है, तो यह करूंगा। बाय द वे हाइप को किस तरह से रन करते हैं अगर मैं बताऊं, अगर मैं हाइप से यहाँ पे एंटर करूँ या मैं सो ही जाऊँ क्या, हाइप का एक क्वेरी लिख देते हैं, हाइप टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करूंगा मैं अगर दिखाऊँ आपको यहाँ पे, इसे कॉपी करते हैं, थोड़ा चेंज करेंगे, स्कूप इम्पोर्ट की जगह पर डालूंगा क्रिएट हाइप टेबल, और एड्रेस डाल दिया यहाँ पे, इतना हटा दिया मैंने, माइनस माइनस हाइव टेबल करूंगा एलेक्स, माइनस माइनस फील्ड टर्मिनेटेड बाय, मैं कॉमा टर्मिनेटेड करूंगा इस तरह से, तो यहाँ पे कर दिया हडूप पासवर्ड टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे, और हाइव टेबल का नाम रखूंगा एलेक्स फील्ड टर्मिनेटेड बाय, यहाँ पे इस तरह से रन करते हैं इसको, और फिर वीडियो को एंड करेंगे। इसका मतलब क्या ना, हाइव कॉन्फिग DRR ठीक से अपलोड किया नहीं है मैंने, बैच वाले में अपडेट करना पड़ेगा, वो मैं अगले वीडियोस में करूंगा, अभी नहीं करने वाला, इसको अगले वीडियो कर सकते हैं। एक काम करो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैप ऑलरेडी पड़ा हुआ है क्या, देख सकते हैं उसमें कुछ डेटा अपेंड करना है, हाँ पड़ा हुआ है, डेटा अपेंड कर देते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक्स मैप का डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको देखूँ, यही इसी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे आएंगे माइनस माइनस वर्बो हटा दो, यहाँ पे सिर्फ एक और चीज करनी पड़ेगी, माइनस माइनस अपेंड पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। ओके पता है यार मेरे को यार ये कर, ओके अच्छा मैं एक चीज गड़बड़ कर रहा हूँ यार, मैं डिलीट तो नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं अपेंड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं डिलीट और अपेंड एक साथ क्यों कर रहा हूँ, वही तो दिक्कत है।
तभी तो नहीं चल रहा है, समझ रहे हो ना। अपन करेंगे इसको इस तरह से करते हैं, ओगा 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 स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ पे डेटा इस तरह से हो रहा है। डुप्लीकेट डेटा आएगा क्या स्कूप में, देख लेना जल्दी हो जल्दी। रन करते हैं इसको, देखो साथ में और भी फाइल्स बन गए हैं ठीक है, पर डेटा सेम ही आ रहा है क्योंकि पार्टीशन सेम किया है इन्होंने। तो इस वीडियो में जाना कुछ एडू पर कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जान लिया। अगर मुझे कुछ नन वैल्यूज के साथ डील करना है तो क्या करूंगा, मैं ज्यादा कुछ करने नहीं वाला, मैं लिख दूंगा अगले वीडियो में उसको रन करके देख लेंगे। यहाँ पे क्या करूंगा, नल नॉन स्ट्रिंग माइनस वन, बस इतना ठीक है, नल माइनस नॉन स्ट्रिंग डबल कोट में माइनस वन। तो वीडियो को एंड करते हैं। हाँ वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, चैनल पे पुराने जा करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, नए वालों को भी लाइक करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्कूप के थ्रू, एक टर्मिनल ओपन करूंगा, होप आपको दिख रहा होगा टर्मिनल का। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा ना, देखो ना यहाँ पे ये जो है ना इसको आप पूरा कॉपी कर लो यार। कॉपी करने के बाद मैं कोई एक ओपन करूंगा, वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं यार, प्रेफर्ड वेब ब्राउजर। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो दिक्कत समझ ना, तो मैं यार W3 स्कूल करूँ यहाँ पे, ये खुल गया ना, तो यहाँ पे मैं पेज कर देता हूँ। जैसे जुगाड़ करते हैं, ये है ना यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सब पड़ा हुआ है, मैपर भी मैंने वन डाल के रखा है यहाँ पे, देखो ना। ओके मैं सबसे पहले तो ये हटाऊंगा, जरूरत नहीं है इसको, ये मैं एक कर करूंगा इसको भी बोर्ड है ना, इसके बाद स्पेस डाल के ये डालूंगा, और क्लाउडेरा के बाद यहाँ पे स्पेस स्पेस डाल के ये डालूंगा। डेटाबेस का नाम है, यूजर नेम यहाँ पे रूट हो गया, इस तरह से मैं पासवर्ड डालूंगा, पासवर्ड में यहाँ पे इस तरह से करूंगा, और क्लाउडेरा के बाद यहाँ पे मैं टीवी स्टार जो कि हमारा टेबल का नाम है, और ये मैपर्स वो भी सिंगल मैपर, यार क्लिक नहीं हो रहा ना, वो ये दिक्कत है ठीक है। इसके ऊपर एक और चीज करने वाला, सबसे पहले तो इसको भी इंपोर्ट के बाद मैं क्रिएट हाइव टेबल करूंगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट हाइव टेबल कर दो। हाइव टेबल कर दिया, नाम डाल दिया टेबल का, नाम मैपर मैंने डाल दिया, एक मैपर यूज होगा, और उसके बाद हाइव टेबल का नाम डाल दो। फॉर एग्जाम्पल हाइव टेबल का मैं नाम डाल लूंगा टीवी टीवी स्टार टीवी स्टार, तो मैं यहाँ पे टीवी स्टार्स कर दिया, टीवी स्टार्स हिंदी ठीक है, तो ये मेरा हाइव टेबल का नाम है। और यहाँ पे आऊंगा एक और ये डालना पड़ेगा, माइनस माइनस फीड्स डालूंगा टर्मिनेटेड बाई कॉमा, तो ये यहाँ पे ये कोड है, इसको कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाऊंगा क्लाउडेरा वाले में, यहाँ पे पेस्ट मारूंगा मैं, कंट्रोल सी मारो। मैंने कॉपी किया नहीं था क्या, पूरा पूरा कॉपी हुआ नहीं यार, क्या कॉपी नहीं हुआ, ये मेरा यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ से मैंने कॉपी किया है भैया पूरा, तो ये कॉपी क्यों नहीं हुआ है, यहाँ से इतना गया, मैं कंट्रोल सी किया, इस वाले एक और टर्मिनल ओपन हो गया। चलो यार इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इनको कॉपी हो नहीं रहा है यार, क्या कॉपी हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। जब मैंने इसको पूरा कॉपी किया इतना, M1 नहीं कर सकता, ये देख रहे हो ना विनोद, ये नहीं किया इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है सारा, हम भी इसी करेंगे। अबे यार खुद गलत सिंटैक्स डाले हैं यहाँ पे, क्लाउड ले रहा है तो अपना हिसाब से ले रहा, आधा ले रहा है, भाई तुम पूरा लो ना, मेरे को एरर दिखाओ यार। अब देखो आप सही है, एंटर मराएंगे अब चलेगा यार, डेटा हाइप में चलेगा। अच्छा मैं यहाँ पे M1 नहीं कर सकता, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ एंटर दबाऊंगा मतलब मैपर्स में यहाँ पे डाल नहीं सकता ठीक है, तो यहाँ पे वो काम हो रहा है, लिमिट डिमिट कर रहा है जो भी चल रहा है, तो यार या तो तुम एक वो डालो आईडी डालो प्राइमरी की, देखो यार लोडेड दिखा रहा है, ओके ओके दिखा रहा है, इसका मतलब हाइप में टेबल आ गया है। तो मैं अगर हाइप वाले में ओपन करूं, हाइप में शो टेबल्स करूं, हाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म टीवी स्टार्स MBC, जब ये कमांड रन करोगे ना तो यहाँ पे क्या होगा ना, एक एम्प्टी टेबल बन जाएगा यहाँ पे हाइप पे, तुम शो टेबल्स से कर सकते हो, एम्प्टी टेबल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, डेटा एंटर नहीं होगा, ये सारे देखो टीवी स्टार्स जो भी मैंने क्रिएट किया तुम ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे तुम डिस्क्राइब भी कर सकते हो, अगर किसी को मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, मैं और टू डिस्क्राइब एनी ऑफ द टेबल्स, तो आई विल बी यूजिंग डिस्क्राइब कमांड का, देखो ये इंटीजर है, नेम है, स्ट्रिंग है, सिटी स्ट्रिंग, इस तरह से कॉलम आ गए। उसके बाद फिर मैं डेटा को इंसर्ट कर देता हूँ, जो भी डेटा मुझे इंसर्ट करना है हाइप में, उसको किस तरह से करना है वो अगले वाले वीडियोज में जानेंगे। अरे एक और नल वाला डेटा किया था ना, वो जो भी बताया मैंने अभी थोड़ी देर बाद उससे पहले, तो उसको यह ना उसको इम्प्लीमेंट कर, देखो एक सिनेरियो बनाओ, एक टेबल में कुछ नल डेटा इंसर्ट करो, और उसके बाद जब तुम स्कूप में डालोगे तो उसको कुछ चेंज कर दो, -1 या फिर 2 या फिर कुछ भी उसे चेंज कर सकते हो तुम, या फिर कोई भी नन या फिर कोई भी कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो उसका कोड ऑलरेडी मैंने दिखा दिया आपको। तो इस वीडियो में स्कूप के बहुत सारी चीजें जान लिए, अगले वाले वीडियो में स्कूप के और भी चीजें जानेंगे,
फिर धीरे धीरे स्कूप को खत्म कर देंगे और फिर अगले फिर हडूप हाइव या फिर स्पार्क पे फोकस करेंगे। बाय द वे स्पार्क की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, स्पार्क की सीरीज चेकआउट कर सकते हो, तो वही है। साथ में हम लोग यहाँ पे स्काला भी सीखेंगे और आर भी सीखेंगे।